गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कक्षा पाँच की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कविता दस सीखो का अभ्यास हमने किया। आज हम पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को समझेंगे। ओके, तो आप सब तैयार हैं ना? तो चलो, सबको अपनी पाठ्यपुस्तक निकालनी है। हम इस अभ्यास और स्वाध्याय को समझते हैं। काव्य दस सीखो, जेना कवि छे श्रीनाथ सिंह। अभ्यासना प्रश्नो। अभ्यास प्रश्न एक, पढ़िए और बोलिए। मित्रों, आपको ये शब्द पढ़ना है। पहले मैं पढ़ती हूँ, सुनो। हसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। ओके, प्रश्न दो, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में दी गई कविता को आपको गाना है। प्रश्न तीन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसका उत्तर ढूंढना है। नंबर एक, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? मित्रों, कविता में प्रकृति के बहुत सारे तत्वों की बात की गई है, जैसे कि फूल, भौरा, तरु। आपको पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना है। आपने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। मित्रों, आपके आसपास प्रकृति के ऐसे कई तत्व हैं, आपको उसे ढूंढना है। नंबर चार, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। आपको सोचना है और बताना है, जैसे कि नंबर एक, दीपक। तो दीपक से आप क्या सीखे? अंधेरा दूर करना, बराबर। भौरों से आप क्या सीखे? तो हमेशा गाते रहना, बराबर ना। तो और भी दिए गए हैं, आपको समझना है। दीपक से, भौरों से, फूलों से, हवा से, दूध और पानी से, सूरज की किरणों से, लता और पेड़ों से, धुएं से, मछली से, जलधारा से, पृथ्वी से, पतझड़ से, आप क्या सीखोगे, यह आपको समझना है। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भर देखकर पढ़िए। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और समझना है। जैसे नंबर एक, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। यहाँ पर मैंने के नीचे अंडरलाइन की है, तो उसको आप बाहर देखकर पढ़ना है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। उसी तरह मैंने कल आपको यह किताब दी थी, आपको के नीचे अंडरलाइन की गई है। आपको पढ़ना है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो इस तरह आपको बाहर देखकर इन वाक्य को पढ़ना है। ओके मित्रों, यहाँ पर मैंने के नीचे अंडरलाइन की है, उसका मतलब है कि मैंने ही आपको किताब दी है और किसी ने नहीं। उसी तरह कल के नीचे अंडरलाइन की है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। कल ही दी थी, परसों नहीं, उसका मतलब यह होता है। मित्रों, यहाँ पर आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, उसे आपको स्वर भर देकर पढ़ना है। जैसे कि नंबर दो, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। आपको मेरे शब्द पर स्वर भर देना है, जैसे कि मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं। मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों को समझेंगे। नंबर एक, सही जोड़ मिलाइए।
यहाँ पर अ और ब दिया गया है। आपको उत्तर ढूंढना है। जैसे कि फूल, तो फूल के साथ क्या आएगा? फूल हमें क्या सिखाता है? हमें व लिखना है। जैसे कि फूल हमें हंसते रहना सिखाता है, तो एक के साथ नंबर 3 आएगा। उसी तरह जलधारा, तो जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? तो जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने की सीख मिलती है। तो 2 के साथ कौन सा नंबर आएगा? 5। तो इसी तरह आपको मछली, पृथ्वी और धुआं, ये शब्द को की जोड़ को ढूंढना है। ओके, नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको उत्तर लिखने होंगे। नंबर 1, दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो मित्रों, दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धीरज रखनी चाहिए। नंबर 2, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 3, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? आपको कविता में से उसका उत्तर ढूंढना होगा। नंबर 4, अंधेरा कौन हरता है? कौन अंधेरा हरता है मित्रों? तो दीपक उजाला फैला कर अंधेरा हरता है। कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। मित्रों, यहाँ पर भावार्थ दिया गया है, आपको पाठ्यपुस्तक में से उसकी पंक्ति ढूंढनी होगी। नंबर 1, सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो उसका उत्तर क्या होगा? फूलों से नित हंसना सीखो, यह उसका उत्तर है। नंबर 2, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। नंबर 3, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। नंबर 4, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो यह भावार्थ की पंक्ति आपको पाठ्य पुस्तक में से ढूंढनी होगी। ओके, प्रश्न 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें एक बॉक्स संज्ञा का है, एक विशेषण का है और एक क्रियापद का है। तो आपको कविता में से ढूंढना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं मित्रों? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मछली, पृथ्वी, पानी, उसे संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपका नाम, आपके गांव का नाम, शहर का नाम, आपके दोस्तों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, जो भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मित्रों, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर क और ख दोनों में वाक्य दिए गए हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनो। मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने क्या खाया? गाजर। यहाँ पर गाजर संज्ञा है। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। ख में देखो, मनोज ने गाजर तो खाया, लेकिन कैसा गाजर खाया? बड़ा गाजर खाया। तो यहाँ पर जो बड़ा है वो विशेषण है। आगे देखो, टोकरी में शकरकंद है। क्या है टोकरी में? शकरकंद है। अब शकरकंद कैसा है? तो जो कैसा है उनका जवाब है मीठा है। तो जो मीठा है वह विशेष है। घोड़ा दौड़ता है, बराबर। घोड़ा दौड़ता तो है, लेकिन वो कैसा है? वो
काला है, काला घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर जो काला है वो काला विशेषण है। प्रश्न 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आप जो शब्द लिखते हैं उन विशेषण का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मोहन पानी पीता है, तो पीता है वो पीने की क्रिया कर रहा है, तो पीता वो क्रियापद है। मीना खाना खाती है, तो मीना क्या कर रही है, खाना खा रही है, तो वो खाने की क्रिया करती है, तो खाती है वो क्रियापद है। तो मित्रों, खाना पीना पढ़ना दौड़ना खेलना लिखना यह सब क्रियापद है, क्रियापद वाक्य के अंत में लिखा जाता है। तो मित्रों, पाठ्यपुस्तक में ढूंढकर यह कोष्टक में शब्द लिखना है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। नंबर 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। ऊपर दिए गए कोष्टक में आपको शब्द लिखना है और उस शब्द का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखो, मोहन सच्चा बालक था, तो यहाँ पर सच्चा विशेषण है और बालक संज्ञा है। नंबर 2, रीता गीत गाती है, यहाँ पर रीता गीत गाती है, तो गाती है क्रियापद है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह स्वाध्याय ध्यान से समझना है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी वो पीडीएफ के प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। फिर मिलेंगे, बाय।